The Beast Brock Lesnar return in Fastlane. वेल तो ही गाइस वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज पंकज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में, क्या वो सही में फास्ट लेन में रिटर्न करने वाले हैं और रिटर्न भी करेंगे तो किसके मैच में रिटर्न करेंगे, सो इसके बारे में बात करने वाले। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न सबसे ज्यादा हमें चांसेस लग रहे हैं ड्रू मैकइंटायर एंड सेमस के मैच में, एंड ये चांसेस क्यों बन रहे हैं तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ड्रू मैकइंटायर जो कि रेसलमेनिया में उनका मैच अनाउंस हो चुका है जो कि बॉबी लैशली के अगेंस्ट जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, एंड यहाँ पे हमने लास्ट ईयर रेसलमेनिया में देखा था कि जहाँ पे ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिला था एंड जहां पे ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। वेल तो इस वजह से यहां पे पूरे चांसेस बनते हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे ड्रू मैकइंटायर से एंड ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक कर देंगे। एंड यहां पे बॉबी लैशली तो चाहते ही ब्रॉक लेसनर के साथ में मैच, तो यहां पे हमें बॉबी लैशली भी देखने को मिल सकते हैं एंड बॉबी लैशली आके फिर ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर दे जिससे हमें ट्रिपल थ्रेट ब्रॉल देखने को मिल जाए एंड यहां से फिर हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर जो कि रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट हमें मैच देखने को मिले एंड इसकी स्टोरी लाइन हमें यहां से शुरू होते हुए दिखाई दे सकती है जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती है। वेल इससे हमें एक अच्छा खासा मेन इवेंट देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया के अंदर एंड यहां पे हमें जैसा कि मालूम है कि रोमन रेंस वर्सेस एज ए की रेसलमेनिया मेन इवेंट जो कि हमें देखने को मिल रहा है जो कि अच्छा खासा मैच है। तो यहां पे विंस मैकमैन जरूर चाहेंगे कि यहां पे ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो और हमें ऐसा मैच देखने को मिले, तो मे बी इसके चांसेस यहां पे फास्ट लेन में बहुत ज्यादा बनते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग की बात करें तो जो भी जहां पे हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें रोमन रेंस के मैच में देखने को मिल रहा है, तो यहां पे रोमन रेंस के हमें मैच में रिटर्न करने का चांसेस यहां से बनते हैं कि जहां पे हमें फॉल लेमन देखने को मिल रहा है एंड लास्ट के टॉकिंग स्मैक में जैसा हमें पॉल लेमन बोलते हुए दिखाई दिए थे एंड वैसे हमें चांसेस यहां पे दिखाई दे रहे हैं कि पॉल लेमन जो कि मैनेज कर रहे हैं रोमन रेंस को एंड यहां पे फिर हमें ब्रॉक लेसनर की भी स्टोरी लाइन देखने को मिले एंड यहां पे ब्रॉक लेसनर आके अटैक कर दे फिर हमें रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस एज के बीच में जो कि एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मैच होगा। वेल मेरे हिसाब से अगर मैं स्पेकुलेशन लगाऊं तो मेरे को यहां पे सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि वो ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक करना पसंद करेंगे एंड वहां पे हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है जो कि बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यहां पे रोमन रेंस और एज का एक मेन इवेंट बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलेगा ही। तो यहां पे अगर ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर एंड फिन बॉबी लैशली के साथ जुड़ जाते तो जो कि एक बहुत ही अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो यहां पे आपके क्या ओपिनियंस लगते हैं कि जो कि ब्रॉक लेसनर किस मैच में आ सकते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो एंड सो फिन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।